Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 8th lecture on algebra. And course code is MTH376 and it's for masters of mathematics students from COMSAT's Institute of Information Technology virtual campus. Okay, so it's our lecture number 8. Right, so first a brief recap of what we have done in the last lecture as usual. So here is what we did in our last lecture. So humne baat ki ke subgroup ki aapko maine definition isse pichle lecture mein di thi ke subgroup kya hota hai. To is lecture mein humne is cheez ke upar baat ki ke subgroups ki kuch mazid examples. Jab humne definition di thi us waqt bhi humne kuch examples dekhi thi subgroups ki, lekin is lecture mein last lecture jo tha aapka lecture number 7, उसमें हमने extensively बहुत सारी subgroups की example देखी. फिर हमने ये देखा कि जब भी हम हमारे पास कोई group होता है उसका कोई हम subset लेते हैं, उसको subgroup prove करने के लिए हमें 4-5 conditions check करनी होती हैं. पहली condition हमें ये check करनी होती है कि जो हम subset ले रहे हैं उसके ऊपर जो G का binary operation है, group का अपना जो binary operation है वो उसके ऊपर डिफाइंड हो. मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन की एक फंडामेंटल कंडीशन है वो ये कि जब भी दो एलिमेंट सबसेट में लें तो उनके ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो आपका रिजल्ट भी उसी सेट में आना चाहिए. तो अब हम यही चेक करना चाह रहे थे ग्रुप में या सेट एच में. तो जब हमने ग्रुप लिया उसका एक सबसेट ले लिया, तो सबसे पहली चीज हमें ये चेक करनी है कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो उस सबसेट के ऊपर डिफाइंड है. तो हम चेक करेंगे कि वो सबसेट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है या नहीं. अगर वो है फिर हमने ये चेक करना है उस पे उसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. फिर हम ये चेक करते हैं कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है या नहीं, और फिर उसमें इनवर्स होना चाहिए. तो मतलब एक सबसेट सब ग्रुप होगा अगर वो खुद भी एक ग्रुप होगा, राइट. और बाइनरी ऑपरेशन वही होना चाहिए जो जी के ऊपर डिफाइन है, राइट. तो फिर हमने ये देखा कि अब ये 4-5 कंडीशंस हैं, जब भी हमारे पास कोई सबसेट आएगा उसको हमने सब ग्रुप प्रूव करना है तो ये कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ेंगी. लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जिसमें हमने हमें ये पता चला कि अगर आपके पास एक सबसेट है किसी ग्रुप का तो उसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको ये 4-5 कंडीशंस चेक नहीं करनी, सिर्फ एक कंडीशन चेक करेंगे. अगर वो कंडीशन होल्ड करती है तो वो सब ग्रुप होगा, अगर वो कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो वो सब ग्रुप नहीं होगा, राइट. तो वो कंडीशन क्या थी कि अगर आपके पास एक एच है जो एक सबसेट है ग्रुप जी का, जी ग्रुप है, ठीक है. तो अब एच विल बी अ सब ग्रुप, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है. सो एच विल बी अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स इज इन एच फॉर ऑल ए बी इन एच, ठीक है. तो हमने ये जस्ट चेक करना है कि जब भी दो एलिमेंट्स लें आप एच के अंदर, जब भी एच के अंदर आप दो एलिमेंट्स लें तो उनका ये प्रोडक्ट ए बी इनवर्स, अगर ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये कुछ अब कंडीशंस ट्रिवियल हो गई हैं कि जी के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डॉट का, ठीक है. तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आपको मैंने ये बताया था कि इस कोर्स में हम यूजुअली डॉट को ही बाइनरी ऑपरेशन लेंगे. अगर कोई और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है तो फिर हम उसको स्पेसिफिकली लिखेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर ये कह रहे हैं कि जी इज अ ग्रुप, इसका मतलब है जी के ऊपर डॉट का बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन मौजूद है, राइट. सो ए बी इनवर्स एच में होना चाहिए. इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन हो, अगर एच सबसेट हो जी प्लस का, तो फिर एच विल बी अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ क्या हो ए प्लस बी इनवर्स,
बाइनरी ऑपरेशन जो भी होगा, यहाँ पे डॉट बाइनरी ऑपरेशन था तो डॉट लगाया, यहाँ पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन है तो प्लस लगाएंगे, ए प्लस बी इनवर्स जो है वो एच में हो। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बी इनवर्स जो है वो एडिशन के केस में माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी शुड बी इन एच, राइट। तो ये हमारे पास एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, कि जब भी आपके पास एक सबसेट हो तो वो सब ग्रुप होगा अगर ए बी इनवर्स जो है वो एच में हो किसी भी दो एलिमेंट्स ए और बी एच के लिए। इसका हमने प्रूफ भी देखा था और इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी कि ये क्राइटेरियन जो जिसको हम कह रहे हैं सब ग्रुप क्राइटेरियन, ये हम कैसे अप्लाई करते हैं। आज एक और एग्जांपल मैं आपको बता के इसकी के सब ग्रुप क्राइटेरियन कैसे अप्लाई करते हैं हम थोड़ा सा आगे मूव हो जाएंगे। अब कोई एग्जांपल अगर हम इसकी देखना चाहें तो लेट्स से हमारे पास एक सबसेट है मे बी रियल नंबर्स का, ठीक है, रियल नंबर्स का सबसेट है लेट्स से रैशनल नंबर्स, ठीक है, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और फिर ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे क्रॉस भी लगाना पड़ेगा, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट्स, सिर्फ आर के नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वही ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप जीरो भी लेंगे तो ये कभी भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा। तो मेरे पास एक सबसेट मौजूद है क्यू का, सॉरी आर क्रॉस का, तो मेरे पास एक ग्रुप है उसका एक सबसेट है। मैं ये शो करना चाहता हूँ कि क्यू जो है वो एक सब ग्रुप है, तो क्यू जब मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब भी क्यू क्रॉस ही है, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं, अब क्या ये इसका सब ग्रुप बनाते हैं? अब मैंने सिर्फ दो एलिमेंट्स लेने हैं इस सेट के अंदर, दो एलिमेंट्स रैशनल नंबर्स के अंदर मैंने लेने हैं जो होंगे लेट्स से ए जो है वो एक रैशनल नंबर है नॉन जीरो, और बी भी एक रैशनल नंबर है नॉन जीरो, राइट। तो मैंने ये चेक करना है कि ए टाइम्स बी इनवर्स जो के बनेगा ए ओवर बी, क्या ये क्यू स्टार में क्यू डॉट क्यू क्रॉस में होगा या नहीं होगा? अब ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो आपके पास ए एक रैशनल नंबर है, बी भी एक रैशनल नंबर है, जब आप दो रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करें और वो दोनों नॉन जीरो हों तो आपके पास रिजल्ट भी एक हमेशा रैशनल नंबर आएगा, राइट। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप रियल एनालिसिस में रैशनल नंबर्स का फुल इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अब मेरे पास लेट्स से एक रैशनल नंबर है 1/2, एक और रैशनल नंबर है लेट्स से 3/5, राइट। अब इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करता हूँ ए ओवर बी, सो मेरे पास आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 3/5। तो अब मैं मेरे पास आ गया 1/2, और ये आपको पता है कि इसको जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो मेरे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 5/6, राइट। अब ये दो रैशनल नंबर्स थे नॉन जीरो, इनको मैंने डिवाइड किया, मेरे पास एक रैशनल नंबर आ गया। इन जनरल ये बात ट्रू है कि जब भी आप दो रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर आएगा। दोनों रैशनल नंबर्स ऑफ कोर्स नॉन जीरो होने चाहिए, या डिनोमिनेटर तो एटलीस्ट जरूर नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों ही रैशनल नंबर्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं, तो इसलिए ये हमारे पास रिजल्ट होल्ड करता है, राइट। तो जब भी दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे आपके पास एक और रैशनल नंबर आएगा, और नॉन जीरो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो नॉन जीरो रैशनल नंबर ही आएगा, राइट। तो अब इन दोनों इसकी ये डेफिनेटली अब एक रैशनल नंबर है और ये नॉन जीरो है, इसकी आप अगर एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कोशेंट और डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स मे बी यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं नॉन जीरो इज ऑलवेज
a rational number. Okay, तो इस condition के तहत ये जो condition है कि a b inverse हमेशा q cross में ही होगा, तो हमने ये check करना था. दो elements हमने लिए q cross से, हमने जब a b inverse उनका find किया वो भी q cross में आ गया. तो इसलिए q cross जो है of course under multiplication is a subgroup. Subgroup किसका? Of R cross under multiplication. Okay. अब इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई examples देखना चाहें तो आप examples ले सकते हैं. Let's say 2 cross 2 matrices, entries from real numbers or under addition. Okay. अब ये आपके पास एक group है. अब इसका इसकी एग्जांपल्स मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है, तो इसकी एग्जांपल्स आप बार-बार देखते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है मैट्रिसेस के जिनके अंदर से हमें हर चीज, हर अपना कांसेप्ट जो ग्रुप थ्योरी में हम स्टडी करेंगे उसकी एग्जांपल्स इसमें से मिल जाएंगे हमें. तो इसलिए हम हमारे लिए ये मैट्रिसेस के ग्रुप्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप्स हैं. राइट, इसकी एक फाइनल एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है, तो ये मेरा G है, राइट. मैंने एक H लेना, उसमें मैं रखता हूँ ऐसे मैट्रिसेस A B 0 C, राइट. A B C जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, राइट. अब इसमें किस तरह के मैट्रिसेस आ रहे हैं? जो थर्ड एंट्री है मैट्रिक्स की वो जीरो है. इस तरह के मैट्रिक्सेस को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. आपने होपफुली ये पहले देखा होगा, इस तरह के मैट्रिसेस को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो ऐसे मैट्रिसेस आप ये देखें कि यहां मैट्रिक्स का जो अपर हाफ है उसके अंदर एक ट्रायंगल बन रही है, तो आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन करें और फिर A को B से ज्वाइन करें और B को C से ज्वाइन करें तो आपके पास एक ट्रायंगल आ जाएगी. तो ये अपर हाफ में है मैट्रिक्स के, तो इसलिए हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. इसी तरह हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को भी डिफाइन कर सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशंस अगर आप देखना चाहें तो आप अपने लीनियर अलजेब्रा की बुक में आप देख सकते हैं. तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का सेट है, राइट. अब इस सेट को मैं ये शो करना चाहता हूं, मैं ये शो करना चाहता हूं कि ये एक सब ग्रुप है जी का, राइट. अब इसको मैंने सब ग्रुप अगर शो करना है तो मैंने क्या करना है, मैंने दो कंडीशंस चेक करनी है. अगर वो दो कंडीशंस मेरे पास होल्ड करेंगी तो ये सब ग्रुप, सॉरी, जस्ट एक कंडीशन चेक करनी है. अगर वो एक कंडीशन मेरे पास होल्ड करेगी तो ये एक सब ग्रुप बन जाएगा, अगर नहीं करेगी तो एक सब ग्रुप नहीं बनेगा. तो कंडीशन क्या है, मैं दो एलिमेंट्स लूं अगर इसमें से, लेट्स से ए और बी जो हैं वो एच के एलिमेंट्स हैं, राइट. तो मेरे पास ये होना चाहिए कि ए बी इनवर्स जो है वो भी एच में होना चाहिए. अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है, तो बी इनवर्स जो है वो माइनस बी होगा और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो भी एडिशन होगा, तो ए माइनस बी शुड बी इन एच, राइट. a माइनस बी करके हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है. तो a को मैं ले लेता हूं, लेट्स से a1 b1 0 c1, राइट. b को मैं ले लेता हूं, लेट्स से a2 b2 0 c2, राइट. अब a माइनस बी अगर आप करें तो a माइनस बी आपके पास आ जाएगा a1 माइनस a2 b1 माइनस b2 0 और C1 माइनस C2, राइट. अब A1 और A2 दोनों रियल नंबर्स हैं, जब दो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक रियल नंबर आएगा. इसी तरह B1 और B2 भी रियल नंबर्स हैं, तो जब दो रियल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन आपके पास एक रियल नंबर आएगा, और इसी तरह आपके पास 0 ही आएगा थर्ड पोजिशन पे, और C1 माइनस C2 भी एक रियल नंबर आएगा. तो मेरे पास ये मैट्रिक्स किस फॉर्म का है, एक रियल नंबर है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे भी एक रियल नंबर है,
थर्ड पोजीशन पे जीरो है, फोर्थ पोजीशन पे भी एक रियल नंबर है, राइट। सो इसी तरह का एक मैट्रिक्स चाहिए था मुझे जो एच में सारे ऐसे ही मैट्रिसेस हैं, फर्स्ट पोजीशन पे रियल नंबर, सेकंड पे रियल नंबर, थर्ड पे जीरो और फोर्थ पोजीशन पे जो है वो भी एक रियल नंबर है, राइट। तो एच जो है वो एक कंडीशन जो है सब ग्रुप क्राइटेरियन की वो उसको सेटिस्फाई करता है, तो एच इज अ सब ग्रुप। ओके, तो हमारे लिए काफी आसान हो गया है किसी भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना। तो अब से जब भी आपको एक सबसेट दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इसको एक सब ग्रुप प्रूव करें, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट ये एक कंडीशन चेक करेंगे कि जब भी उसके दो एलिमेंट्स लें, जब भी कोई से दो एलिमेंट्स लें और बाइनरी ऑपरेशन जो भी हो जैसे मल्टीप्लीकेशन हो, तो ए बी इनवर्ट्स जो है वो भी एच में हो। अगर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है तो ए माइनस बी जो है वो भी एच में मौजूद होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास सब ग्रुप की कंडीशंस हैं, सब ग्रुप का क्राइटेरियन है। तो जब भी आपके पास ग्रुप होगा उसके सब ग्रुप्स होंगे, कम अज कम दो सब ग्रुप्स तो हर ग्रुप के होते हैं, और वो सब ग्रुप्स क्या हैं, वो सब ग्रुप्स हैं ग्रुप इटसेल्फ और आइडेंटिटी एलिमेंट का एक सिंगलटन एलिमेंट का सेट, राइट। तो ये दो सब ग्रुप्स हमेशा होंगे किसी भी ग्रुप के, और इसके अलावा भी अक्सर ग्रुप्स के बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं, राइट। हम अब नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक को भी हम लास्ट टाइम टच कर चुके हैं, इंटीजर्स मॉडुलो एन, इससे क्या मुराद है, राइट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि यहां पे इंटीजर्स मॉडुलो एन से मुराद ये है कि लेट्स से एन इज इक्वल टू टू से मैं स्टार्ट करता हूं, राइट। एन इज इक्वल टू टू से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरे पास इंटीजर्स मॉडुलो टू का मतलब ये है कि इंटीजर्स जेड मॉडुलो टू का मतलब ये है कि मैंने जेड को टू से डिवाइड करना है। जेड को टू से डिवाइड करने का मतलब ये है कि जेड एक सेट के हर एलिमेंट को टू से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर्स आते जाएंगे उनको मैंने एक सेट में रिकॉर्ड कर देना है, राइट। तो इंटीजर्स के सेट को मैंने टू से डिवाइड करना है और जो भी मेरे पास रिमाइंडर्स आएंगे उनको मैंने एक सेट में रिकॉर्ड करना है, राइट। तो इंटीजर्स के सेट में आपको आइडिया है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सो लेट्स से मेरे पास इस तरह के एलिमेंट्स हैं इस सेट में, सो प्लस माइनस थ्री है, नो सॉरी माइनस थ्री है और माइनस टू है, माइनस वन है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, सो ऑन, राइट। तो अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो जेड को मैं टू से डिवाइड कर रहा हूं और उसके रिमाइंडर रिकॉर्ड कर रहा हूं, जीरो को मैं टू से डिवाइड कर रहा हूं और इसका रिमाइंडर रिकॉर्ड करना है, राइट। रिमाइंडर रिकॉर्ड करना है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। अब ये जो डिवीजन का साइन है ना, इसको हम यहां पे ना ये परसेंटेज के साइन से भी कभी कभी लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा डिवीजन में डिफरेंस करने के लिए, डिवीजन में ये होता है कि आप जब नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम रिमाइंडर्स रिकॉर्ड नहीं करते, हम मल्टीपल्स रिकॉर्ड करते हैं उस नंबर के, जो मल्टीपल आ रहा है किस मल्टीपल के साथ हमारे पास वो नंबर डिवाइड हो रहा है, सॉर्ट ऑफ, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम रिमाइंडर रिकॉर्ड करने हैं। सो जस्ट डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जीरो को मैं टू से डिवाइड कर रहा हूं और मेरे पास रिमाइंडर जो है वो जीरो आ रहा है, रिमाइंडर, राइट। इसी तरह मैं वन को टू से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो वन आ जाएगा, राइट। और मैं अगर टू को टू से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास जीरो, टू वन जर टू और टू टू से डिवाइड हो जाता है, बाकी रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, राइट। तो मेरे पास जीरो आ जाएगा।
ओके सो एक दो और एग्जांपल्स, थ्री को अगर मैं टू से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा वन, राइट। इसी तरह फोर को टू से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा जीरो। टू फोर टू से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर इसके बाद कुछ नहीं बचता, जीरो, राइट। अब जब भी आप किसी भी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को या नॉन नेगेटिव इंटीजर को टू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास दो ही रिमाइंडर्स आएंगे, जीरो आएगा या वन आएगा, राइट। तो मेरे पास जो रिमाइंडर्स का सेट है उसके अंदर अभी तक मेरे पास दो एलिमेंट्स आए, जीरो और वन, राइट। ओके तो यहां पे आपने एक चीज नोट की होगी कि अगर जीरो का रिमाइंडर जो है वो जीरो है तो जीरो प्लस टू का रिमाइंडर भी जीरो है। तो जीरो जो है वो जीरो प्लस टू के इक्वल है और जो है टू टू प्लस टू के भी इक्वल है और फोर प्लस टू के भी इक्वल है और अप टू सो ऑन, राइट। सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि जीरो जो है वो टू के भी इक्वल है, फोर के भी इक्वल है, सिक्स के भी इक्वल है, एट के भी इक्वल है, अप टू सो ऑन इस पर्टिकुलर रिलेशन में। मतलब ये है कि इन सब का रिमाइंडर सेम है, ओके इन सब का रिमाइंडर सेम है। तो मतलब जब मैं जीरो रिमाइंडर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं इन सब एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, राइट। तो जीरो रिमाइंडर जो है वो इन सब एलिमेंट्स का है, जीरो का है, टू का है, फोर का है, सिक्स का है, एट का है, अप टू सो ऑन सारे एलिमेंट्स का है। इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स की, तो अगर वन रिमाइंडर की बात करता हूं तो वन और थ्री और फाइव और सेवन और नाइन और इलेवन, ये सारे इन सब के रिमाइंडर सेम है। तो ये जो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि इस सेट के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट सेम है, राइट, क्योंकि इन सब का रिमाइंडर सेम है। मैं इन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, इन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, इनके रिमाइंडर की बात कर रहा हूं। तो ये एलिमेंट सेम है क्योंकि इन सब का रिमाइंडर सेम है, राइट। तो ये इक्वालिटी से कंफ्यूज ना होइएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो और टू इक्वल है, मैं ये कह रहा हूं कि इस सेट के अंदर जब मैं रिमाइंडर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चूंकि इन सब का रिमाइंडर सेम है तो ये एलिमेंट सेम है, राइट। तो मतलब यहां पे इन एलिमेंट्स के दरमियान में हम कोई डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ रिमाइंडर्स की बात कर रहे हैं। जब भी इन सब एलिमेंट्स को मैं टू से डिवाइड करूंगा तो इन फॉर एग्जांपल जीरो टू फोर सिक्स एट, इन सब का रिमाइंडर जीरो आएगा, इन एलिमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है यहां पे। इसी तरह वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, इन सब का रिमाइंडर भी सेम है। तो इन एलिमेंट्स के दरमियान भी मैं कोई डिफरेंस नहीं कर सकता, तो ये सारे एलिमेंट्स भी इस केस में सेम है। तो इसी तरह वन जो है वो इन सारे एलिमेंट्स का रिमाइंडर है, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड अप टू सो, राइट। अब मैं एक बार लगा रहा हूं जीरो के ऊपर। अब जीरो बार का मतलब यह है कि ये एक एलिमेंट नहीं है, ये इन सब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये एक एलिमेंट नहीं है, ये इन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये सारे के सारे एलिमेंट जीरो ही हैं, राइट। लेकिन अगर आप इनको ओरिजिनली देखें तो टू तो जीरो नहीं है, राइट। टू एक नॉन जीरो नंबर है, लेकिन यहां पे जीरो जो है वो इन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इन सब का रिमाइंडर जब हम इनको टू से डिवाइड करें तो वो जीरो ही आता है, राइट। तो अब जो इस सेट है में हम फिर जीरो के ऊपर बार लगा देंगे, वन के ऊपर भी बार लगा देंगे, इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये एक एलिमेंट नहीं है बल्कि ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स की मैंने अभी तक कोई बात नहीं की, ओके नेगेटिव नंबर्स की बात करके देखते हैं। अब मेरे पास माइनस वन के अलावा अगर मैं बाकी सब नंबर्स की बात करूं तो माइनस टू को जब मैं टू से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा जीरो, ओके इसी तरह माइनस फोर को जब मैं टू से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा,
0 आएगा। माइनस 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रही, यहाँ पे रिमाइंडर रिकॉर्ड हो रहे हैं, प्लीज रिमेम्बर दैट। वैसे अगर मैं माइनस 2 बाई 2 लिखूं तो माइनस 1 आंसर आता है, रिमाइंडर की बात हो रही है। रिमाइंडर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उनका मल्टीपल्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास इन सब का रिमाइंडर भी 0 है। इसका मतलब है ये 0 जो है ये इन सब को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इजीली प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8 लगा सकता हूँ। तो इन सब एलिमेंट्स को 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, क्योंकि इन सब का रिमाइंडर भी 0 आ रहा है। ओके, अब इसके अलावा अगर मैं माइनस 1 की बात करूं तो माइनस 1 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है जी माइनस 1, ठीक है, रिमाइंडर आता है माइनस 1। ओके, इसी तरह अगर मैं माइनस 3 की बात करूं, माइनस 3 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 5 को डिवाइड करूंगा 2 से तो रिमाइंडर आ जाएगा माइनस 1, राइट। तो ये भी मेरे पास रिमाइंडर्स इन सब के माइनस 1 है। इसका मतलब है इसके अंदर, इस सेट के अंदर एक और एलिमेंट होना चाहिए जो माइनस 1 है, क्योंकि वो भी बहुत सारे एलिमेंट्स का रिमाइंडर आ रहा है, राइट। तो इस सेट में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, 0, 1 और माइनस 1, राइट। अभी तक ये हमें पता चल रहा है, ओके। लेकिन आप अगर ये देखें कि माइनस 1 जो है, माइनस वन में अगर मैं 2 ऐड करूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 2 का रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 2 का क्या रिमाइंडर आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं आंसर करने से पहले आपको एक छोटी सी बात यहां पे और बता दूं कि अब आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस एंड आई एम प्रोबब्ली मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मैस, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए और अगली स्लाइड पे मैं आपको मूव नहीं करना चाह रहा ताकि आप ये सब कुछ भूल ना जाएं जब हम अगली स्लाइड पे जाएं। तो मैं यहां पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूं। तो यहां पे अब माइनस 1 प्लस 2 का रिमाइंडर क्या है, ये मैं पूछ रहा हूं। अब यहां पे मैं अगर बात करूं माइनस 3 की, माइनस 3 की मैं अगर बात करूं तो फिर मैं ये भी पूछ सकता हूं कि माइनस 3 प्लस 4 का क्या रिमाइंडर है, राइट। अब यहां पे हमने बात की कि जब भी हम 2 ऐड करते हैं एलिमेंट में, 2 ऐड करते हैं एलिमेंट में तो रिमाइंडर सेम आता है, राइट। 2 या उसका कोई मल्टीपल ऐड करते जाएं तो रिमाइंडर जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। अब माइनस 1 प्लस 2 जो है वो है 1, राइट। 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, राइट। माइनस 1 का और 1 का रिमाइंडर जो है, माइनस 1 और 1 का रिमाइंडर इस डेफिनेशन के तहत फिर सेम होगा। माइनस 3 में 4 ऐड करें तो आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट का रिमाइंडर माइनस 1 भी हो और उसी एलिमेंट का रिमाइंडर जो है वो 1 भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको डिवीजन के एल्गोरिदम का पता है कि जब भी किसी एलिमेंट को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर एक यूनिक नंबर आता है, एक ही नंबर आता है, आज तक एक से ज्यादा नंबर नहीं आए। तो अब मैं माइनस 1 को 2 से अगर डिवाइड करूं रिमाइंडर आता है माइनस 1। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो 1 का रिमाइंडर 1 था, 1 में 2 ऐड किया रिमाइंडर आ गया फिर 1, इसी तरह 3 में 5 ऐड किया रिमाइंडर आ गया 1। तो ये एक सीक्वेंस चल रही है कि जब भी हम 2 ऐड करते जाएंगे तो रिमाइंडर जो है वो वापस आता जाएगा। मतलब अगर 1 रिमाइंडर है, 2 ऐड करने के बाद फिर 1 रिमाइंडर है, 2 ऐड करने के बाद फिर 1 रिमाइंडर है। तो अब माइनस 1 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो भी रिमाइंडर माइनस 1 ही रहना चाहिए ना, राइट। माइनस 1 के बाद जब 2 ऐड करें तो रिमाइंडर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन यहां पे माइनस 1 प्लस 2 जब मैं करूं तो रिमाइंडर 1 है। तो इसको हम थोड़ी देर बाद प्रूव करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन अभी आप ये सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कर लें कि माइनस 1 जो है वो 1 के इक्वल है। इस सेट के अंदर माइनस 1 का और 1 का रिमाइंडर जो है वो सेम है इस सेट में, राइट। वो इसलिए, चले मैं आपको इसका छोटा सा प्रूफ अभी दिखा देता हूं। माइनस 1 प्लस 2 जो है
वो भी फिर 1 + 2 के इक्वल होगा, राइट। अब ये मेरे पास आ गया 1 और राइट हैंड साइड पे 3 है, 1 और 3 दोनों का रिमाइंडर सेम है, राइट। दोनों एलिमेंट्स का रिमाइंडर सेम है, राइट। तो दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो या तो सेम है या वो 2 के मल्टीपल्स हैं, राइट। यहां पे मेरे पास -1 और 1 जो हैं वो दो एलिमेंट सेम है। इसका आपको डिटेल में प्रूफ मैं आपको एक दो स्लाइड्स के बाद जब आप मैं इस कॉन्सेप्ट को मजीद फॉर्मल करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि -1 और 1 जो हैं वो इस सेट के अंदर सेम है। तो ये जो मेरे पास 1 बार है ये +1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो आप इसको देख सकते हैं, राइट, ओके। सो मेरे पास इस सेट के अंदर जो मैंने जब मैं इंटीजर्स को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 2 पॉसिबल रिमाइंडर्स आते हैं, 0 और 1। -1 भी आता है लेकिन -1 1 के इक्वल है, क्योंकि यहां पे अभी आपके लिए इतनी क्लैरिफिकेशन इनफ है कि -1 + 2 का रिमाइंडर जो है वो 1 + 2 के रिमाइंडर के इक्वल है, राइट। तो ये आपको थोड़ी देर बाद आगे जाके आइडिया हो जाएगा कि ये इसका मतलब ये है कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, राइट। इस सेट के अंदर बात हो रही है कि -1 और 1 जो है वो इस सेट के अंदर इक्वल है क्योंकि उन दोनों का रिमाइंडर सेम है, राइट, ओके। सो इसी तरह सारे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग उनका रिमाइंडर सेम आ रहा है, राइट। सो मेरे पास 2 ही पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, 0 और 1। तो मैंने क्या किया, जेड मॉड्यूल और 2 फाइंड किया और मेरे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स के आगे 0 और 1। इनके ऊपर मैंने बार लगा दी, इसको फिर मैं बता देता हूं कि बार लगाने का मतलब यह है कि ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अभी इस कॉन्सेप्ट को भी हम मजीद फॉर्मल करते हैं कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करे तो इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, तो ये जो सेट है यहां पे मिडल में, इसको मैं कहूंगा Z2, Z subscript 2, ओके। सो इसको मैं Z2 कहूंगा, ओके। इस सेट को मैं ये भी Z modulo 2 को हम ये भी लिखते हैं कि Z over 2Z, Z quotient 2Z, राइट। तो ये भी इसकी एक और नोटेशन है, ओके। सो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं इंटीजर्स मॉडुलो n की। अब इंटीजर्स मॉडुलो n में एक और एग्जांपल क्या है, लेट्स से मैं अब लेता हूं n = 3, ओके। अब मैंने n = 3 लिया है तो मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूं, मैं z modulo 3 ले रहा हूं, या मैं कह रहा हूं कि z और ये परसेंटेज डिवीजन जिसको हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि z के सारे एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड करना है, सिर्फ रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड करना है, राइट। पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करते हैं, 0 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो आंसर 0 आएगा रिमाइंडर, ओके। 1 को 3 से डिवाइड करूं तो आंसर रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, ओके। इसी तरह मैं 2 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, 3 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 पे डिवाइड हो जाता है तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। 4 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 ones are 3 और यू हैव 1 लेफ्ट, राइट, सो रिमाइंडर इज 1, ओके। 5 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2, ओके। तो ये मेरे पास जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं अभी तक 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मैं जस्ट यहां पे लिख देता हूं 0 किन एलिमेंट्स के लिए रिमाइंडर आ रहा है, ये 0 के लिए आ रहा है, 3 के लिए आ रहा है, 6 के लिए आएगा, 9 के लिए आएगा, अप टू सो ऑन। तो ये प्लस माइनस सब के लिए आएगा लास्ट डिस्कशन से, ओके, लास्ट स्लाइड पे जो हमने डिस्कशन की।
अच्छा, अब ये सारे जीरो कब आएगा? जब एलिमेंट्स जो हैं वो थ्री के मल्टीपल्स होंगे, राइट? तो थ्री के जब भी आप मल्टीपल्स लेंगे, थ्री लेंगे, सिक्स लेंगे, नाइन लेंगे, ट्वेल्व लेंगे, फिफ्टीन लेंगे, इसी तरह नेगेटिव थ्री लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव सिक्स लेंगे, और नेगेटिव नाइन, और अप टू सो ऑन, राइट? तो इन सब एलिमेंट्स के लिए रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स थ्री पे डिवाइड हो जाते हैं. ओके, तो अब वन रिमाइंडर किन एलिमेंट्स के लिए आ रहा है? वन रिमाइंडर आ रहा है वन के लिए, फोर के लिए, सेवन के लिए आएगा, फिर टेन के लिए आएगा, ओके, और इसी तरह 14 के लिए आएगा, अप टू सो ऑन. तो ये ऑफ कोर्स नेगेटिव नंबर्स के लिए भी यही आएगा. ओके, सो ये मेरे पास वन इन नंबर्स के लिए रिमाइंडर आ रहा है. इसी तरह मेरे पास अगर टू की बात करूं तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा, टू रिमाइंडर आएगा किन एलिमेंट्स के लिए? टू आएगा टू के लिए, ये आएगा फाइव के लिए, ये आएगा एट के लिए, ये आएगा इलेवन के लिए, राइट? और ये आएगा, इसके बाद आएगा इलेवन एंड देन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन के लिए आएगा, सॉरी, सो फोर्टीन फिफ्टीन के लिए नहीं आएगा. ओके, सो इलेवन के लिए आएगा, सो दैट्स नाइन प्लस टू, राइट? नाइन प्लस टू इज इलेवन, एंड देन नेक्स्ट वन इज ट्वेल्व प्लस टू, ट्वेल्व प्लस टू दैट्स फोर्टीन. यहाँ पे फोर्टीन आएगा, यहाँ पे फोर्टीन नहीं आएगा, यहाँ पे थर्टीन आएगा. आई डू अपोलोजाइज. तो फर्स्ट सेट में थर्टीन आएगा और इसमें फोर्टीन आएगा, और ऑफ कोर्स इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आएंगे. ओके, राइट? तो ये रिमाइंडर्स हैं तीन ही, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिमाइंडर की. आपने ये भी देखा होगा कि जेड की सारे के सारे नंबर्स भी हम काउंट कर चुके हैं, इसके अलावा जेड के अंदर कोई भी नंबर नहीं है. अब जैस अब ये जीरो एक सेट के इक्वल है, तो जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में इसके ऊपर बार लगाई, वन के ऊपर भी बार लगा देंगे अब टू के ऊपर. इसका मतलब ये है कि जीरो एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये इन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह वन एक एलिमेंट नहीं है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टू भी एक एलिमेंट नहीं है, ये टू इन सेट इस सेट के सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर मैं सेट जेड थ्री बनाऊंगा, या जैसे मैंने अभी कहा z ओवर 3z अगर बनाऊंगा, ये दोनों नोटेशंस हैं इस सेट के लिए, तो इसमें मेरे पास आएंगे 0 बार, 1 बार और 2 बार, राइट? ओके, तो ये मेरे पास थ्री एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं. थ्री एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों खुद इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? ओके, सो वन फाइनल एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट की मजीद फॉर्मली बात करेंगे, राइट? अब हमारे पास है, लेट्स से मैं लेता हूँ n इज इक्वल टू 4, राइट? तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जेड मॉडुलो 4, राइट? तो मैं जेड मॉडुलो 4 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ. तो मेरे पास आएंगे, इंटीजर्स को 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर्स रिकॉर्ड करने हैं, दैट्स इट. ओके, तो इंटीजर्स को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर रिकॉर्ड करने हैं. इंटीजर्स को 4 से डिवाइड करने का मतलब यह है कि इंटीजर्स को 1 by 1, जैसे हमने पिछले दो एग्जांपल्स में देखा. तो अब अगर मैं 0 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. इसी तरह 1 को 4 से डिवाइड करूं, तो 1 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1. इसी तरह 2 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 3 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 3, राइट? अब अगर मैं 4 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 5
5 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। 6 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आएगा, ओके। एंड 7 को डिवाइड करूं 4 से, रिमाइंडर 3 आएगा, राइट। सो तीन चार पॉसिबिलिटीज है मेरे पास रिमाइंडर्स की। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, राइट। तो 0 किसके लिए रिमाइंडर है, किन एलिमेंट्स के लिए? 0 के लिए। फिर इसके अलावा किस एलिमेंट के लिए? इसके बाद 4 के लिए आएगा, फिर 8 के लिए आएगा, फिर 12 के लिए आएगा, 16 के लिए आएगा, सो ऑन। तो 0 के जितने, 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब के लिए रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, राइट। तो इसी तरह नेगेटिव नंबर्स के लिए भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, इस तरह के नेगेटिव नंबर्स जो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, राइट। अब अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 किन नंबर्स के लिए रिमाइंडर आएगा? 1 के लिए आएगा, फिर 5 के लिए आएगा, फिर 9 के लिए आएगा और इसी तरह और नंबर्स, और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए 1 ही रिमाइंडर आएगा। इसी तरह अगर मैं 2 रिमाइंडर की बात करूं तो 2 किन नंबर्स के लिए रिमाइंडर आएगा? वो आएगा 2 के लिए, फिर उसके बाद आएगा 6 के लिए, 10 के लिए और 14 के लिए, इसी तरह और नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव सब के लिए यही रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। और फाइनली 3 रिमाइंडर किस किन नंबर्स के लिए आएगा? वो 3 के लिए आएगा, इसके बाद किस नंबर के लिए आएगा? 7 के लिए आएगा, फिर 11 के लिए आएगा, 15 के लिए आएगा, राइट, और 19 के लिए आएगा। इसी तरह और नंबर्स इसमें मौजूद हैं, ये सारे प्लस माइनस इसमें आते हैं, राइट। ओके, सो ये तीन चार पॉसिबिलिटीज हैं रिमाइंडर की। ऑफ कोर्स अब ये 0 एक नंबर नहीं रहा, ये इन सब नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 भी इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूं। अब जब मैं Z4 सेट बनाऊंगा अपना Z4, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? उसमें एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास 0 बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा और 3 बार आएगा। तो ये Z4 है और इसको हम लिखते हैं Z over 4ZB, इस तरह भी डिनोट करते हैं, राइट। तो ये मेरे पास कुछ मॉडुलो इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट है, तो आसान कॉन्सेप्ट है आई थिंक। जब भी इंटीजर्स को डिवाइड करना है आपने उसके रिमाइंडर रिकॉर्ड करने हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज आई उनको एक नए सेट में लिख देंगे। और लेट्स से अगर आपके पास N2 होगा तो आपके सेट में 2 नंबर्स आएंगे, राइट। अगर N3 होगा तो 3 रिमाइंडर्स आएंगे, N4 होगा तो 4 रिमाइंडर्स आएंगे, राइट। लेकिन वो रिमाइंडर्स खुद बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लेकिन 3 ही डिस्टिंक्ट रिमाइंडर आएंगे n is equal to 3 के लिए। इसी तरह अगर Zn की इन जनरल बात करें तो Zn सेट में n कोई भी नंबर है bigger than or equal to 2, तो Zn में आपके पास n distinct numbers आएंगे, राइट। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि बहुत बेसिक हमने डिफाइन किया है, इसकी कोई मैथमेटिकल इंट्यूशन आपको नहीं दी गई कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्या हम इसकी सिग्निफिकेंस क्या करना चाह रहे हैं। सिग्निफिकेंस इसकी ये होगी, ऑफ कोर्स आपको शायद आइडिया हो ही गया हो कि ये ग्रुप थ्योरी की हम कोर्स पढ़ रहे हैं, तो क्या ये सेट्स हम नए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस भी आपको मैं कुछ देर बाद या कुछ लेक्चर्स के बाद आपको क्लियर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट्स हैं और इन सेट्स को हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सेट्स जो हैं वो ग्रुप बनाते हैं या नहीं, राइट। अच्छा, अब हमने फाइनाइट ग्रुप्स की बात करनी स्टार्ट की थी, आपको याद होगा, तो हमने सिंगल एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, फिर 2 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, राइट। अब ये भी सेट्स जो हैं ये फाइनाइट हैं, राइट। अगर मैं Z2 की बात करूं उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, Z3 की बात करूं उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, Z4 की बात करूं उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसी तरह Z5 की बात करता जाऊं तो 5
और जेड एन में एन एलिमेंट्स हैं, राइट। तो अगर ये ग्रुप बनाते हैं तो हमारे पास फाइनाइट ग्रुप्स की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, राइट। हर नंबर एन के लिए हमारे पास कम अज कम एक फाइनाइट ग्रुप तो जरूर होगा, राइट, जो जेड एन होगा, अगर ये हमारे ग्रुप बना देते हैं। अब ना तो हमारे पास अभी तक इनके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन है, सिर्फ सेट ही सेट है, ना बाइनरी ऑपरेशन है, ना हमें ये पता है कि ये वो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं ग्रुप की या नहीं। अगर ये करेंगे तो फिर हम ये बात कर सकेंगे कि क्या ये ग्रुप बनाते हैं या नहीं, राइट। सो इसके ऊपर हम आगे जाके बात करते हैं, राइट। तो अब ये हमारे पास इंटीजर्स मॉडुलो एन का हमारे पास सेट बन गया। इस सेट की थोड़ी सी फॉर्मल आपको मैं डेफिनेशन देके फिर हम इसकी ग्रुप प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, राइट। तो हमारे पास फॉर्मली ये सेट क्या है, हमारे पास एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है एन, राइट, और एन को हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू लेते हैं यूजुअली। तो हमारे पास एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर कोई भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है। अब हम इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन क्या है, हम कहेंगे कि ए बी से रिलेटेड है। ये जो टिल्डा का आपको सिंबल सेंटर में लगा आ रहा है, नजर आ रहा है ये सिंबल, इसको हम रिलेशन के लिए यूज करते हैं। सो ए का बी से कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक है। ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स बी माइनस ए, राइट। सो ए बी से रिलेटेड होगा अगर एन जो है वो बी माइनस ए को डिवाइड करे। आपने देखा है कि एन हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एन मेरे पास लेट्स से टू है, राइट। ए और बी आपस में रिलेटेड हैं या नहीं ये हम चेक करना चाह रहे हैं। तो ए को मैं ले लेता हूं लेट्स से फोर और बी को मैं ले लेता हूं सिक्स, राइट। तो ये डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर फोर और सिक्स आपस में रिलेटेड हैं तो टू शुड डिवाइड सिक्स माइनस फोर, राइट। अब टू जो है वो सिक्स माइनस फोर को डिवाइड करता है या नहीं, ये क्वेश्चन है। सो टू शुड डिवाइड टू, राइट। सो टू डिवाइड करता है टू को तो ये ट्रू है। तो फोर और सिक्स आपस में रिलेटेड है, राइट। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये होता है कि n अगर इससे पहले लिखा हुआ है और इसके बाद b माइनस ए इस केस में, तो n डिवाइड्स b माइनस ए, राइट। सो b माइनस ए जो है वो n पे डिवाइड हो जाता है। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि अगर a और b आपस में रिलेटेड होंगे अगर b माइनस ए n पे डिवाइड होता है, अगर नहीं होता तो वो रिलेटेड नहीं है। अब कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट्स से मेरे पास है a इज इक्वल टू फाइव है और b इज इक्वल टू थ्री है। अब मेरे पास फाइव और थ्री आपस में रिलेटेड होंगे अगर टू जो है वो थ्री माइनस फाइव को डिवाइड करे, राइट। तो टू थ्री माइनस फाइव को डिवाइड करता है, ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि ये माइनस वन टू माइनस टू को डिवाइड करता है, राइट। अब एक और फाइनल एग्जांपल, ये दोनों थोड़ी ट्रिवियल एग्जांपल्स थी। अगर मेरे पास हो ए फाइव और बी हमारे पास लेट्स से सिक्स हो, राइट। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि क्या फाइव सिक्स से रिलेटेड है, राइट। ये मैं चेक करना चाह रहा हूं। अब फाइव सिक्स से रिलेटेड होगा, फाइव सिक्स से रिलेटेड होगा अगर टू जो है वो सिक्स माइनस फाइव को डिवाइड करे, टू वन को डिवाइड करे। क्या टू वन को डिवाइड करता है, टू वन को डिवाइड नहीं करता है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं और कुछ एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। तो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी एलिमेंट्स की जो आपस में रिलेटेड हैं, और एक एग्जांपल आपको और मिल गई जिसमें एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज एन इक्वेलेंस रिलेशन, इक्वेलेंस रिलेशन है। इसका क्या मतलब है, इक्वेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब इसकी मैं आपको आसान लफ्जों में डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके पास एक रिलेशन हो लेट्स से टिल्डा,
tilde is a relation. रिलेशन किसी सेट के ऊपर होता है और उसके एलिमेंट्स के ऊपर होता है. तो मैं कहता हूँ लेट्स से रिलेशन ऑन अ सेट मे बी एच, राइट. सेट एच के ऊपर रिलेशन है. अब ये टिल्डा जो है, टिल्डा इज इक्वलेंस रिलेशन एन इक्वलेंस रिलेशन इफ. ये इक्वलेंस रिलेशन कब होगा? अगर मैं एक एलिमेंट लू ए एच का, सो मैं यहां लिख देता हूं फॉर ए बी सी इन एच वी हैव. अगर मैं ए एलिमेंट लू एक सेट एच का, तो ए शुड बी रिलेटेड विद ए, राइट. जो भी रिलेशन है, इसकी मैं आपको एग्जांपल पीछे जो रिलेशन डिफाइन किया उससे मैं करके बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है. लेकिन ए जो है वो ए से रिलेटेड होना चाहिए, ये पहली बात है. ए जो है वो ए से रिलेटेड होना चाहिए, राइट. सो ये बहुत ट्रिवियल कंडीशन है, लेकिन ये बहुत सारे केसेस में ट्रू नहीं भी होती. तो ए जो है वो ए से रिलेटेड होना चाहिए. इक्विवेलेंस रिलेशन का जो टॉपिक है, ये भी आप रियल एनालिसिस के कोर्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है, और उसी में आपके लिए ये एलैबोरेटली डिफाइन किया जाएगा. मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी दे रहा हूँ, इसकी एक एग्जांपल भी दूंगा. लेकिन अगर आपको इसका मजीद एलैबोरेट नॉलेज चाहिए, तो आप रियल एनालिसिस के कोर्स में आपको इसका मजीद जो एलैबोरेट नॉलेज है वो मिल जाएगा. अब ए जो है वो ए से रिलेटेड है, पहली बात यह. दूसरी बात यह है कि अगर ए बी से रिलेटेड हो, देन बी जो है वो ए से भी रिलेटेड होना चाहिए, राइट. और फाइनल बात यह है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, देन ए बी सी से रिलेटेड होना चाहिए, राइट. अब ये फर्स्ट कंडीशन जो है यहां पे, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड कंडीशन ये है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ओके. एंड थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन. तो ये हमारे पास तीन रिलेशंस हैं इसमें. अब हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ए को ए से रिलेटेड होना चाहिए. अगर ए बी से रिलेटेड है, तो बी को भी ए से रिलेटेड होना चाहिए. तो ये सिमेट्री हमारे पास, फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव है, और थर्ड वन जो है वो है ट्रांजिटिव. ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए को भी सी से रिलेटेड होना चाहिए, राइट. अब ये तीन रिलेशंस, तीन कंडीशंस अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई करे, तो उसको हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, राइट. इसकी ज्यादा डिटेल्स और डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल इसकी करके दिखा देता हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या मुराद है. अब मेरे पास रिलेशन है, जैसे आपने लास्ट उसमें देखा कि n जो है वो इज अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, राइट. पॉजिटिव इंटीजर, ओके. और हमारे पास जब n हम लें एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, तो a b इन z, तो a b से रिलेटेड होगा इफ एंड ओनली इफ, i डबल f मींस इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स b माइनस a, राइट. मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, राइट. तो मैं अगर ये चेक करना चाह रहा हूं कि ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो ये मैं कैसे चेक करूंगा? ये मैं इस तरह चेक करूंगा कि फर्स्ट वन मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ए ए से रिलेटेड है. तो ए इज रिलेटेड टू ए, क्वेश्चन है मेरा. अब ये रिलेटेड होगा इफ एंड ओनली इफ
n divides a minus a, right? So n divides a minus a, so this is true if and only if n divides 0. So har positive integer 0 ko divide karta hai, right? So n times 0 is 0. So koi bhi positive integer jo hai wo 0 ko divide karega, right? So ye true hai. Okay. Second one ye hai ki agar हमारे पास ये है कि a b से related है, तो इसका मतलब ये है कि n divides b minus a, right? और हमारे पास अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि b a से related है, तो इसका मतलब ये है कि ये true है if and only if ये true है if and only if n divides a minus b, right? n b minus a को divide करता है, so this also means that n a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, राइट? सो अगर n b माइनस a को डिवाइड करता है तो n a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ नेगेटिव माइनस ही तो एक कॉमन लिया, तो बाकी सारा नंबर तो वही है. जैसे इसके एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि 2 जो है वो 5 को डिवाइड करता है, तो 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, तो 2 माइनस 6 को भी तो डिवाइड करता है, राइट? सो सिर्फ एक नेगेटिव नंबर ही कॉमन लिया. तो अगर a b से रिलेटेड है और n b माइनस a को डिवाइड करता है, तो n जो है वो a माइनस b को b डिवाइड करेगा. सो दिस इसका मतलब ये है कि b जो है वो a से भी रिलेटेड है. a b से रिलेटेड हो और b a से रिलेटेड होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन है. तो अगर a b से रिलेटेड है तो b a से भी रिलेटेड होना चाहिए. इसी तरह आप ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होल्ड करता है. ये थर्ड कंडीशन इसमें ये है कि ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड करता है. तो इसको मैं आपके लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ कि आप ये चेक करें कि इसके अंदर ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होल्ड करता है, राइट? ओके, सो हमारे पास ये एक रिलेशन है जो मैंने डिफाइन किया कि ए बी से रिलेटेड होगा इफ एंड ओनली इफ एन जो है वो बी माइनस ए को डिवाइड करे, राइट? तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि a जो है वो a से भी रिलेटेड है, a b से रिलेटेड होगा तो b a से भी रिलेटेड होगा, और इसी तरह आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि a b से रिलेटेड हो और b c से रिलेटेड हो तो a b c से रिलेटेड होगा, राइट? तो ये तीन कंडीशंस हमने प्रूव कर दी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, राइट? तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट? अब इक्विवेलेंस रिलेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, हम इसकी डिटेल में क्यों जाते हैं, ये डिस्कशन हम इतनी डेप्थ में नहीं करेंगे, लेकिन इसी टॉपिक को कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे लेके चलूंगा कि हमारे पास अगर टिल्डा जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए तो हमारे पास इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और सबसे मेन पॉइंट जो है, मेन एम्फेसिस जो है, वो मैं ये इस बात पर स्ट्रेस करूंगा कि हमने एक नया सेट कंस्ट्रक्ट किया जो एक फाइनाइट सेट है, राइट? हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये फाइनाइट सेट एक ग्रुप बनाएगा या नहीं. तो इसके ऊपर हमें एक बाइनरी ऑपरेशन भी चाहिए होगा, फिर हमें वो कंडीशंस जो ग्रुप की हैं वो भी अगर इसमें ट्रू होंगी तो ये ग्रुप बनेगा, अदरवाइज ये ग्रुप नहीं बनेगा. तो मैं इसको आज के लेक्चर को समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर आपके पास एक सबसेट हो किसी भी ग्रुप का, तो अगर आप उसको सब ग्रुप प्रूव करना चाह रहे हो तो आपको एक कंडीशन सिर्फ चेक करने की जरूरत है. अब आप चार पांच कंडीशन चेक नहीं करेंगे, सिर्फ एक कंडीशन चेक करेंगे, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आपको देता है आपका सब ग्रुप क्राइटेरियन, राइट? तो आप हमेशा एक ही कंडीशन चेक करेंगे, तो वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो सबसेट सब ग्रुप होगा, अगर नहीं ट्रू होगी तो वो सब ग्रुप नहीं होगा, राइट? तो उसकी कुछ एग्जाम्पल देखी आपने. इसके बाद हमने इंटीजर्स मॉडुलो इंटीजर्स की बात की, हमने Z2 की बात की, Z3 की बात की, Z4 की बात की, और इन द एंड फिर हमने Zn की बात की. फिर हमने ये भी कहा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिफाइन किया कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो A और B रिलेटेड होंगे अगर n जो है वो B माइनस A को डिवाइड करेगा. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रिलेशन को यूज करते हुए मॉडुलो इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट जो है उसको मजीद फॉर्मल बनाएंगे, और इंशाल्लाह हम इसकी इसकी डिटेल्स में जाएंगे और इसको ये भी शो करेंगे कि ये Zn जो हैं ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं, और ऑफ कोर्स ये फाइनाइट ग्रुप्स हैं,
तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगी फाइनाइट ग्रुप्स के, राइट? तो अनटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर योर टाइम.